हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, अगेन खुश आमदीद। फ्री पेडागोजिकल इंटरलोकेटरी, लेट्स लुक इनटू इन फ्री ई पेडागोगी इन अ ग्लांस। दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग एजेंट्स को कॉल करते हैं कि आप हमें बताएं कि हम कनाडा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी मालूमात है इंग्लिश के बारे में तो आप इजीली सब कुछ ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। सो टुडे आई एम शेयरिंग सम बेसिक इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट विद योर कनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट CIC कनाडा की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, सबसे पहले आपको उधर जा कर चेक करना है कि वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों, प्लीज़ ई पेडागोजिकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। चले, मैं अभी डायरेक्टली आपको CIC की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है। तो ये देखें, आप CIC की वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, आप ये भी चेक कर सकते हैं। गेट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड, आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं जो जो आपको चाहिए। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको इजीली इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, लेकिन आपका मेन पर्पज़, मकसद क्या है इस वेबसाइट को देखने का? आपका जो मेन मकसद है वो ये है कि आप ये चेक कर सकें कि आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको इसका एक सेकंड लिंक है, cic.gc.ca, वहाँ पे जाके आपको चेक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए, ये भी लिंक मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। ये देखें, ओपन कीजिए। इसमें फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी काबिलियत इतनी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक सर्वे है जो कनाडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट करती है। ये कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हर कोई चेक कर ले तो एजेंट की ज़रूरत नहीं रहती। आप देख सकते हैं कि इट विल टेक 10 to 15 minutes टू फिल दिस फॉर्म। इसमें आपकी नेशनैलिटी है, एज है, लैंग्वेज एबिलिटी है, फैमिली मेम्बर्स हैं, एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, डिटेल्स ऑन एनी जॉब ऑफर है। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी एलिजिबिलिटी इजीली यहाँ पे चेक कर सकेंगे। नहीं जी, अभी हम आ गए हैं उस पेज पे जहाँ पे आप ने सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं, सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं और आपने आंसर लेना है। तो ये कनाडा की जो वेबसाइट है, ये जो कनाडा की इमिग्रेशन की ऑनलाइन असेसमेंट वाली वेबसाइट है, ये आपको बताती जाएगी कि ये मेरा सवाल है और इसका आपने आंसर देना है। आप आंसर करते जाइए तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेता जाएगा। चलें जी, यहाँ पे देखें, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोवेंसीज आ गई हैं, कौन सी प्रोवेंस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सस्केचवान हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर इंस्टेंस। लें जी, हम नेक्स्ट करेंगे तो ये सानू दसेगी कि लो जी, उन्हें हुण अगला सवाल पूछ लिया, कनाडा ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब वो पूछेगा कि आप इनमें से कौन सी लैंग्वेज इजीली स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं और उसमें अपना सर्टिफिकेट भी प्रूफ दे सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं जी, हम IELTS कर लेंगे।
आइल्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। लें जी, अभी यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने ये टेस्ट कब दिया था, व्हाट डे डिड यू टेक दिस टेस्ट। फॉर एग्जांपल आप मेंशन करेंगे 21 मैंने जनवरी को दिया था, 4 जनवरी को दिया था, मिसाल के तौर पे। आप नेक्स्ट चले जाएं। तो अभी वो यहाँ से आपसे पूछेगा कि स्पीकिंग मतलब इंग्लिश बोल किस किस लेवल की लेते हैं। आप 7 सेलेक्ट कर लें, आप सुन किस लेवल की लेते हैं 7 सेलेक्ट कर लें, फिर आप पढ़ किस तरह की लेते हैं, रीडिंग किस तरह की कर लेते हैं 7 सेलेक्ट कर लें, राइटिंग 7 सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये वो क्राइटेरिया है जो कि आप आइलेट्स एग्ज़ाम के बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा, जो वहाँ पे एक्चुअल में होगा, वो यहाँ पे आपने फिल करना है। तो एक आप अंदाजे के मुताबिक फिल कर लें कि आप ये वाला बैंड ले सकते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट कर लीजिए। अच्छा, अभी वो आपसे पूछेगा डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट, आपके पास कोई और लैंग्वेज है, जैसे टॉफल का होता है, अगर नहीं है तो आप उसको नॉन सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चले जाइए। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है कि इन द लास्ट 3 ईयर्स हाउ मैनी ईयर्स ऑफ स्किल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कैनेडा। तो आप ये भी उसको बता सकते हैं कि आपके पास इन कनाडा में कितना एक्सपीरियंस है, आपके प्रोफेशन में, तो आप मेंशन कर सकते हैं 1 ईयर और मोर। और उसमें वो ये भी मेंशन करेगा कि आपके पास अगर इनमें से किसी भी प्रोफेशनल स्किल में अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर दीजिए, ए कर दीजिए, बी कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक और लिंक है इसका, फाइंड योर एनओसी का, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन है ये। यहाँ पे अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोफेशन अवेलेबल है कि नहीं। देखिए, इंजीनियर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आ जाएगा, सब इंजीनियर्स के बारे में आ जाएगा। तो अगर आप कोई TEC कोई टेक्नीशियन लिखेंगे तो टेक्नीशियन बी कैटेगरी में आते हैं, टेक्नीशियन की कैटेगरी आ जाएगी। अगर आप इसी तरह कोई डॉक्टर डॉक्टर लिखेंगे तो अगर उसकी ऑक्यूपेशन होगी तो वो आ जाएगी। अगर आप नर्स लिखेंगे, ये देखें जी, रजिस्टर्ड लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज आ गया, ये आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप इजीली कनाडा के वेबसाइट पे अपना प्रोफेशन भी चेक कर सकते हैं। ये देखें जी, 0 कैटेगरी है इसमें, रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, माइन इंजीनियर्स हैं, शोर कैप्टन्स हैं। अब कैटेगरी ए में डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बी में शेफ्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशंस हैं, सी में इंडस्ट्रियल बचर्स हैं, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स हैं, फूड एंड बेवरेज सर्वर्स हैं। तो आप इजीली खुद चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके। ये कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट आपको कंप्लीट प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देगी। चलें जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बैक। लें जी, हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारा ऑक्यूपेशन इसमें है। लें जी, हम नेक्स्ट करेंगे। लें जी, टू अप्लाई ऑनलाइन यू विल नीड दिस पर्सनल रेफरेंस कोड, एक्सप्रेस एंट्री, बेस्ड ऑन योर आंसर्स यू अपीयर टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री। देखें जी कितना इजी है, उसने बता दिया कि जो सवाल आप के जवाब आपने दिए हैं उसके मुताबिक आप एक्सप्रेस एंट्री में
प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर उसने आपको इसमें स्टेप भी बता दिए, स्टेप वन में आपने ये करना है, ये टाइम है आपके पास। फिर आपने रजिस्टर टू गेट अ की करना है, अपना यूज़र अकाउंट बनाना है उसके ऊपर। स्टेप थ्री है, फिर स्टेप फोर है, फिर स्टेप फाइव है, फिर स्टेप सिक्स है, फिर स्टेप सेवन है। देखें, इजीली उसने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए कि आप कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। यू कैन ईजीली फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द CIC, कनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट, अबाउट द एक्सप्रेस एंट्री, हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, गेट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड, सबमिट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इफ यू आर इन्वाइटेड, इफ योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपने प्रोफेशनल कैरियर को यहाँ पे असेस कर सकते हैं इजीली, और उनकी वेबसाइट पे आप इजीली अपना नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब है कि जिस पेशे में आप काम करते हैं वो आप अपना पेशा यहाँ पे सर्च कर लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, देखें जी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सर्विस टेक्नीशियंस, हाउस होल्ड बिजनेस इक्विपमेंट हैं, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप आपका जो पेशा है, प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप इजीली सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि कितने टोटल पॉइंट्स आपको चाहिए प्रोफाइल लगाने के लिए, और कितने पॉइंट्स पे आजकल कनेडियन इमिग्रेशन जो है अपना ITA इशू कर देता है।